और ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना कितना मजेदार लड्डू। और खास बात ये है दोस्तों इन लड्डुओं की कि इसके लिए आपको कोई कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा सामग्री चाहिए इसे बनाने के लिए। एकदम झटपट इंस्टेंट लड्डू है जिसे घर में बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिस्किट के लड्डू। तो जब भी नेक्स्ट टाइम मीठा खाने का मन करे तो इन लड्डुओं को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये बिस्किट के लड्डू। तो इन्हें बनाने के लिए मैं यहाँ पर गुड्डे की बटर कुकीज ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह का ब्लू पैकेट आता है जो, वही लेना है हमें। तो ये मैं 10 रुपए वाले 2 पैकेट ले रही हूँ। अब इन्हें हम छोटे टुकड़ों में तोड़कर ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। तो ये सारे बिस्किट तोड़ लिए हैं मैंने। और दोस्तों ये बिस्किट ऑलरेडी स्वीट होते हैं तो चीनी का इस्तेमाल हम ज्यादा नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर इसमें 1 टेबल स्पून भरकर चीनी मिला रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा और स्वाद लाने के लिए यहाँ पर हरी इलायची डालेंगे। 1-2 हरी इलायची को इस तरह से खोल के डाल दीजिए। तो बस अब सारी चीजों को बढ़िया ग्राइंड कर लेना है और इसका पाउडर बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बारीक पाउडर किया है मैंने, कोई भी लम्स नहीं है। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं और जितने भी मोटे टुकड़े हों उसे दोबारा से पीस सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी मिला लेते हैं। तो मैं यहाँ पर काजू और बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे मैंने एकदम बारीक काटा है। आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून भरकर घी मिला रही हूँ। तो ये घर का बना हुआ शुद्ध घी है। आप घी की जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अनसॉल्टेड बटर यूज करना है। और अब हम इसमें मिलाएंगे दूध। तो थोड़ा थोड़ा कर कर दूध मिलाएंगे। रूम टेम्परेचर पे ही दूध लिया है मैंने। लगभग 2 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें दूध मिलाया है। तो अच्छे से गूंथते जाइए। और हमें तब तक दूध ऐड करना है जब तक ये इस तरह से बाइंड होने लगे। और थोड़ा सा मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यूज कर रही हूँ, इससे इन लड्डुओं में टेस्ट और बढ़िया आएगा। तो ये हमारा लड्डू का मिक्स रेडी है। अब हम इसको रोल करते हुए इसको लड्डू का शेप देंगे। और ये तैयार है हमारे इंस्टेंट बिस्किट के लड्डू। इसी तरीके से सारे लड्डुओं को आपको रोल कर लेना है। और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं, बनाने में भी ज्यादा मेहनत नहीं है। और जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे, कम सामान में आप इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की ये मिठाई रेसिपी, मुझे कमेंट करके बताइए। पसंद आई है तो जाते जाते लाइक करते जाइए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं आप। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए द होम मिनिस्टर। बाय बाय।